हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना। cookyumyum.com में आपका स्वागत है। आज हम सूजी की टिकिया बनाएंगे। इसके लिए हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है। एक कटोरी सूजी, 1.5 कटोरी पानी, 1.5 कटोरी दूध। ध्यान रहे, आप जिस बाउल से या कटोरी से आप सूजी का मेजरमेंट कर रहे हैं, उसी से आप दूध और पानी का मेजरमेंट भी करेंगे। ये मैंने 1.5 कटोरी इसमें दूध लिया है और नमक, और साथ ही हमें फिलिंग के लिए चाहिए 2 उबले हुए आलू, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। सबसे पहले हम टिकिया के लिए फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमें एक बड़े बाउल में आलू को हम मैश करेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक लाल मिर्च, आमचूर पाउडर और गरम मसाला। ये मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश करेंगे और इनकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर साइड में रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस साइज की गोलियां बना के साइड में रख देंगे। ये देखिए, हमारी सारी गोलियां तैयार हो चुकी है। इनको हम साइड पे रख देंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे। ये देखिए, पानी का उबाल आ चुका है। इसमें हम अब दूध डालेंगे। साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। अब पुनः दूध का उबाल आने देंगे। देखिए, दूध का उबाल आ चुका है। अब इसमें हम धीरे धीरे करके सूजी को मिक्स करेंगे और अच्छे से हिलाएंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। अच्छे से तब तक हिलाएंगे जब तक कि हमारा ये जो गोल है वो टाइट ना हो जाए। देखिए, ये हमारा गोल टाइट हो गया एकदम। अब हम गैस बंद कर देंगे। इसे थोड़ा सा 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए, ये अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे।
अभी इसे थोड़ा सा वो ठंडा होने देंगे। ये देखिए ये बाउल से भी अब हटने लगा है। ये देखिए हमारा बेस तैयार है, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम पानी में चम्मच को डिप करके थोड़ा सा वो अपने हाथों पे इस तरह से लेंगे। अगर ये आपके हाथ पे चिपक कर आता है तो आप थोड़ी सी चिकनाई अपने हाथों पे लगा लें। वो बेटर को इस तरह से हम फैलाएंगे और इसके अंदर हमने जो फिलिंग तैयार करी थी वो रखेंगे और अच्छे से टिकिया को पैक करेंगे। ये देखिए हमारी टिकिया तैयार हो चुकी है, इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। अपने हाथों को आप थोड़ा सा पानी से गीला करते जाएं और टिकिया की फिनिशिंग करते जाएं। इसी तरह से हम अपनी सारी टिकिया को तैयार करके रखेंगे, फिर इन्हें हम डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ में हमने फिलिंग भर के तैयार कर ली। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे, ऑयल में इनको डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें धीरे धीरे करके हम एक एक टिकिया डालेंगे। आप गैस हमें कम करना है। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अब इन्हें एक बार पलट देंगे। बस आप ये ध्यान रखें कि जब आप फिलिंग करते हैं तो टिकिया कहीं से भी खुली ना रहे। गैस हम तेज करेंगे। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। ये देखिए हमारी टिकिया अच्छे से सिक चुकी हैं, गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। अब इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी टिकिया को डीप फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी टिकिया तैयार हो चुकी है, ये हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको डीप फ्राई करना है। अब हमारी टिकिया तैयार है, अब हम प्लेटिंग करेंगे। अब एक प्लेट में हम दो टिकिया रखेंगे, इसके ऊपर हम दही फेटा हुआ, मीठी चटनी, मीठी चटनी का वीडियो आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं।
अब इसके ऊपर हम लाल मिर्च पाउडर, नमक, भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई रेसिपीज़ के वीडियो प्राप्त होते रहें। थैंक यू।